नमस्कार दोस्तों। तो वर्ल्ड कप 2023 से पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया लगभग बाहर, पॉइंट टेबल में मचा हाहाकार। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लगभग बाहर होने की कगार पर है, क्योंकि कल खेला गया मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को हार मिली और पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया की बुरी हालत हो चुकी है और हाहाकार मच चुका है। पांच बार की चैंपियन, किसी ने नहीं सोचा था कि शुरुआत में लगातार दो मुकाबले हारने के बाद इतना बुरा हाल ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैच का स्कोर कार्ड बताते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को पलट दिया और क्योंकि हाल ही में जो वनडे सीरीज हुई थी तो उसमें भी साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो शुरुआत करते हैं पहले मैच कार्ड से, उसके बाद आपको बताएंगे कि पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया की हालत क्या है। तो लखनऊ में मुकाबला खेला गया और साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 311 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। क्विंटन डिकॉक ने 109 रन की पारी खेली जबकि इडन मार्करम ने 56 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम का हाल बेहद बुरा रहा। 71वें ओवर में 177 रन ही ऑस्ट्रेलिया ने बना पाई और ऑस्ट्रेलिया के तरफ से सबसे ज्यादा मानस लाबुसेन ने 46 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के तरफ से कगिसो रबाडा ने 3 विकेट सर्वाधिक लिए और ऑस्ट्रेलिया को ये मुकाबला 134 रनों से ये मैच गंवाना पड़ा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की ये लगातार दूसरी वर्ल्ड कप में हार मिली। इससे पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और अब साउथ अफ्रीका ने लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अब इस हार से ऑस्ट्रेलिया का हाल बेहद बुरा हो चुका है पॉइंट टेबल में, क्योंकि साउथ अफ्रीका नंबर वन टीम बन चुकी है। दो मुकाबले में दोनों ही मैच जीते और उनके 4 पॉइंट है। न्यूजीलैंड की टीम नंबर 2 पर है, उनके भी 4 पॉइंट हैं। टीम इंडिया 2 मैच खेली है और दोनों ही मुकाबला जीती है, 4 पॉइंट इनके भी हैं। पाकिस्तान नंबर 4 पर, इंग्लैंड नंबर 5, बांग्लादेश नंबर 6 पर, श्रीलंका नंबर 7, नीदरलैंड नंबर 8 पर और ऑस्ट्रेलिया नंबर 9 पर है। और ये वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकंड लास्ट टीम बनी और नंबर 9 पर आ गई है। और ऑस्ट्रेलिया को हम क्यों कहते हैं बार बार लगभग बाहर हो चुकी है, क्योंकि ये राउंड रोबिन फॉर्मेट के तहत पूरा वर्ल्ड कप खेला जाएगा और अगर ऑस्ट्रेलिया आने वाले 7 मुकाबले लगातार नहीं जीतती तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा टॉप 4 में जाना, क्योंकि टॉप 4 की टीमें ही सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी और उसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जो है वो काफ़ी बुरी हो चुकी है। 5 बार की चैंपियन है, लेकिन ऐसा नज़ारा पॉइंट टेबल में वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉटम में है, यानी सेकंड लास्ट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी हुई है, तो साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीत लिया है, साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लगभग बाहर होने के चांसेस जो है अब वो 60% बन गए हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।